हाय गाइस, एज यू नो दिस इज दिनेश राजानू जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रांच ऑफ इंग्लिश, द टॉपिक ऑफ मॉडल। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो एक झटके में मैं तीन मॉडल को खत्म करूंगा और बहुत ही आसान तरीका आपको दूंगा। सो ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें चैनल दिनेश राजानू जी। सो आपको बता दें कि क्लास नौवीं यानी नाइन्थ टू ट्वेल्थ, ठीक है, नाइन्थ टू ट्वेल्थ बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। आपको बता दें कि इंग्लिश में जो स्पोकन होती है ना, स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडल। तो आपको मॉडल का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन बच्चों को इंग्लिश सीखना है, स्पीकिंग सीखना है, वो ज़्यादातर के मॉडल के पीछे भागे। आपको बता दें कि जो आप लोग का स्कूल है, वो उनसे आप लोग डिमांड करते हैं टीचर से कि सर हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्या क्या पढ़े। ठीक है, तो टीचर कहता है बेटा ये ग्रामर पढ़ लो थोड़ा सा, और क्या कहते हैं जो टेंस पढ़ लो थोड़ा सा, ये सब दुनिया पढ़ा के आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। बट ऐसा नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग का मैटर ही अलग होता है। आप इसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है, दो तीन साल पाँच साल जो भी है तो अपना टाइम बर्बाद कर लेते हो और ये सारा का सारा पूरा ग्रामर दुनियादारी पढ़ के बैठ जाते हो, लेकिन उससे आप लोग को उस लेवल की इंग्लिश नहीं सीखने को मिलती। उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश स्पोकन का मैटर ही अलग होता है। ठीक है, और उसका इंग्लिश स्पीकिंग का जो मैटर होता है ना, वो ज़्यादातर के कनेक्ट होता है किससे, मॉडल से। सो आपको हम तीन मॉडल देने वाले हैं, तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है। कैन हो गया, मैं कुड हो गया। ठीक है, देखिए कैन का मतलब होता है क्या, सकना, आप लोगों को पता होगा। मैं का मतलब क्या होता है, वो शब्द थोड़ा बहुत पता होगा, सकना। ठीक है, लेकिन कभी कभी सोचा है कुड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ही सकना होता है, समझे बात को। तो कैन में कुड तीनों का मतलब सकना होता है, और तीनों का जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो जो लोग एक बार सकना सीख जाते हैं ना, सकना अर्थ के लिए जो कैन पढ़ लेते हैं ना, तो हर जगह कैन का उपयोग करके चले जाते हैं। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप स्पीकिंग में भी मार खाते हो और बोर्ड एग्जाम में भी मार खा जाते हो, होम एग्जाम में भी मार खाते हो, तो उसका दिक्कत आपको ना हो, उसकी वजह से हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि देखिए तीनों का मतलब होता है सकना। ठीक है, तीनों का मतलब होता है सकना। अब देखिए आपको बता दें 25% के लिए, 25% के लिए हम कैन का उपयोग करते हैं, 50% के लिए मे का उपयोग करते हैं, और 100% के लिए कुड का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना। कैन का उपयोग ज्यादा सकने के लिए क्यों करते हैं, योग्यता, क्षमता, शक्ति, तो आदि की नहीं है, आदि को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, यह कैन का जो उपयोग है ना, वो योग्यता, क्षमता, शक्ति वगैरह वगैरह का उपयोग करने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, कैन में कुड तीनों का मतलब सकना होता है। आप समझिए बात को, आपका जो टीचर होता है ना, वो बहुत ही गलती करता है, उसका रीजन क्या हम यहाँ पे बता देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये मे का मतलब होता है सकना। मे का मतलब सकना क्यों होता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो वो बता देते हैं। तो मे प्रियर आज्ञा देने या लेने के लिए। ठीक है, किसी से इज्जत से बात करना हो, परमिशन, परमिशन, परमिशन किसी को देना लेना हो तो वहां पर भी आप मे का उपयोग कर सकते हैं। किसी से प्यार से पेश आना, तो योग्यता दिखाना, तो वहां पर भी आप मे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ बात को। यानी कि नॉर्मल प्यार के लिए नॉर्मलता से पेश आना है तो आप लोग मे का उपयोग करेंगे, और कोड का उपयोग जिसको बहुत ही ज्यादा इज्जत देनी होती, समझ बात को, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, या ग्रुप में मैन को, समझ जाओ। तो देखिए कैन में कुड तीनों का मतलब सकना होता है, और कुड का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जिसको रिस्पेक्ट देना है वहां पर हम कुड का उपयोग करेंगे, सकना अर्थ करेंगे, और जिसको नॉर्मल इज्जत देना है वहां पर मे का उपयोग करेंगे।
अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कोई सर बैठे हैं क्लास में, तो वहां पे क्या करते हैं कि मैं कभी सर बोल के चले जाते हैं, समझिए बात को, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर बैठे हैं तो वहां पर भी बच्चे ये करते हैं मैं कभी सर, ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। देखिए अगर स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में मेन कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, समझ, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, कुड का उपयोग करेंगे, ओके। अगर हमारा देश है, देश में कौन मुखिया है, प्रधानमंत्री, तो हम देश में अगर मेन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को हम कुड का उपयोग करेंगे, ठीक है। स्टेट में कौन है, स्टेट में सीएम होता है, मुख्यमंत्री, तो उसको अगर उससे अगर उनसे अगर बात करना है या कोई कनेक्टेड होना उनसे, तो वहां पर हम कुड का उपयोग करेंगे, ठीक है, समझ आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल रूम में जा रहे हैं तो वहां पर आप मे आई कम इन नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, कुड आई कम इन कहेंगे। परिवार में आपके माता पिता मेन होते हैं, ठीक है, तो उनको इज्जत देना है ना सकना के लिए, तो वहाँ पर कुड का उपयोग करो, मैं का उपयोग मत करो, मैं आई कमेंट मत बोल देना, कुड आई कमेंट बोलना, समझा तो। ये होता है एक्चुअल में स्पीकिंग का मैटर, ठीक है। तो तीनों मैंने मॉडल एक साथ खत्म कर दिए हैं, कैन मे कुड 25 50 100, समझी बात को, कैन मे कुड तीनों को मैंने सकना होता है, नॉर्मल के लिए मैं, स्पेशल के लिए कुड, और योग्यता क्षमता शक्ति पावर वगैरह वगैरह दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कैन का उपयोग करेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।